अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जवान हो या बूढ़ा, आजकल कमर दर्द का शिकार तो हर दूसरा बंदा पाया जाता है। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी बताएंगे जो कि सदियों पुरानी है लेकिन आज भी बहुत कारामद है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। रेमेडी बनाने से पहले कुछ खास बातें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कमर दर्द का शिकार हैं तो आपने जंक फूड खाना बिल्कुल छोड़ देना है, जैसे कि पिज्जा हो गए, बर्गर हो गए। आजकल लोग खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अपनी ग़िज़ा को जितना सिंपल रखेंगे उतनी ही आपकी सेहत भी अच्छी होगी। चलिए अब आपको रेमेडी बता देते हैं। ये सदियों पुरानी रेमेडी है और अभी भी बहुत कारामद है। आपने इसको गौर से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है और इसके यूज़ को समझना है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं फूल मखाने। इनको जो है आप पंजीरी में भी यूज़ करते हैं। ये इजीली अवेलेबल होते हैं, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं या ड्राई फ्रूट्स की जो शॉप होती है उससे अवेलेबल होते हैं, उसमें मिल जाते हैं। इसके साथ मिल्क लेना है। मिल्क आपने नीम गरम या गरम तक लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिल्क है, आपको दिखा देते हैं, इसके ऊपर भाप भी है, इसका मतलब ये बिल्कुल हीट अप हुआ हुआ है। मिल्क कितना लिया है हमने? 1 कप लिया है, यानी आपने 300 ml जो है वो मिल्क लेना है। मिल्क में आपको पता है कि ऑलरेडी कैल्शियम होती है, दूध को मुकम्मल ग़िज़ा कहते हैं। आपकी जो कमर में दर्द है या जो तकलीफ़ें होती हैं जोड़ों की, उनके लिए उनकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप दूध पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो दूध में आपने क्या करना है कि ये जो मखाने हैं इनको आप देख लीजिए, आपको क्लोज करके भी दिखा दिया है, ये हमने मिल्क में ऐड करने हैं। किस टाइम पे करने हैं ये आपको बताते हैं। अच्छा, यहाँ आपको एक बार बताते चले कि मिल्क आपने फ्रेश लेना है, आपने फ्रोज़न मिल्क नहीं लेना। कुछ लोग होते हैं वो फ्रीज़ कर लेते हैं। जितनी फ्रोज़न चीज़ें हैं उनको कोशिश करें अवॉइड करें, जितनी फ्रेश चीज़ें खाएँगे उतनी ही आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। और आपने अब देख लें एज़ पर योर टेस्ट, अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो शुगर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका वेट कम है देन आप इसके अंदर जो है शहद भी ऐड कर सकते हैं। जिनका वेट कम है वो शहद ऐड कर लें और जिनका ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, तो वो इसमें शुगर भी ऐड ना करें। ये एज़ पर योर टेस्ट है, हमने इसमें ऐड कर लिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। शहद भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूध में जो शहद है वो बहुत तेज़ी से वेट को बढ़ाता है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखिएगा। और ये देख लीजिए हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम ऐड करने जा रहे हैं फूल मखाने और आपको दिखा देते हैं कि हमने इसमें तकरीबन आपने 8 से 10 जो है फूल मखाने इसमें ऐड कर लेने हैं और इनको इसमें डाल के रख देना है। ये डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर भी कि आपके कितने फूल मखाने हैं, यानी आपका जितना भी कप है वो ऊपर से इससे फिल हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने इसको क्या करना है, हल्का हल्का सा प्रेस करना है, कवर करके रख देना है 10 मिनट्स के लिए। और उसके बाद आपने इनको खा लेना है, चाहे आप स्पून की मदद से, ये सॉफ्ट हो गए होंगे, खा लें, ऊपर से दूध पी लें। आपने पूरा वीक इस तरह पीना है, आपकी कमर का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सोचें कि एक दिन पीने के बाद आप कहें कि एकदम से, क्योंकि ये मैजिक नहीं है, ये एक रेमेडी है। और उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और दुआओं में हमें याद रखिएगा, जब कभी भी आपकी कमर में दर्द हो तो आप यही रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला फाका होगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।